कटारिया जब से बिग बॉस आया है तब से अपनी गर्लफ्रेंड एंड बिग बॉस के दोस्तों के साथ ही रह रहा है और उनके साथ ही वीडियो बना रहा है। एल्विस यादव ने इस बंदे को फेमस किया था और एल्विस यादव को ही ये बंदा भूल गया है, जिस पर एल्विस यादव भी इनडायरेक्ट कटारिया को धोखेबाज और मतलबी दुनिया बोल रहा है। आखिर क्या कहा एल्विस यादव ने, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका एक सेकेंड भी नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अब धीरे धीरे और भी सीख रहा हूँ कि लोगों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चीज़ों के लिए नहीं बने होते हैं। जैसे जैसे कंगारू है पीछे, इसके पास देखो एक पाउच है, एक बच्चा है इसका। अब इसके पाउच में एक और बच्चा मैं डाल दूँ कैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके पाउच में एक और बच्चा डाल दूंगा तो वो भी नहीं रह पाएगा उसमें जो पहले रह रहा ना। तो हर चीज़ भगवान ने, कुदरत ने उस हिसाब से दे रखी, तो उसी हिसाब से ही रहना चाहिए। बाकी लोगों को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। उससे ज्यादा दोगे तो मत ही दो, कुछ नहीं बोलना चाहूंगा मैं आगे, ठीक है। तो सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और इस वीडियो को कटारिया ने देखकर, कटारिया ने भी इनडायरेक्ट एल्विस यादव को बहुत कुछ कहा है। चलिए मैं आपको कटारिया की वो वीडियो दिखाता हूँ। को मैं रात को एक मीटिंग है, गाइस एक बात मैं आज बोलना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में और अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, आपके घर वाले होते हैं ना, निस्वार्थ प्यार जो करता है ना आपसे, वो आपके घर वाले हैं, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, कोई स्वार्थ नहीं होता उनके प्यार में। तो ये बातें कभी कभी महसूस होती हैं, जैसे आज मेरे को महसूस हुई। ठीक है गाइस, ख्याल रखो और रक्षाबंधन अच्छे से मनाया मैंने, आप मैंने तो मनाया, आप सबने कैसे मनाया ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एल्विस यादव एंड कटारिया को लेकर आप क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और क्या ये कभी एक दूसरे से अलग होंगे ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।